हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्क्रीन यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2018, ये हमारी 27वीं क्लास है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट हो सके सभी आप तक लेकर आए हैं। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ये 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, हाल ही में एक चिप बनाई गई है जिसका नाम चार्जिंग डॉक है, यह किस काम में आएगी? जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, चार्जिंग डॉक यानी मोबाइल चार्ज करने हेतु काम में आएगी, जिसे आप अपने जेब में रखकर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन है मोबाइल चार्ज करने हेतु। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, 2018 मिस यूनिवर्स का खिताब किस महिला ने जीता है? तो यह कैट्रियोना एलिसा ग्रे को मिला है और यह फिलीपींस की रहने वाली है, और फिलीपींस में ही जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय है, मुख्यालय मनीला में है जो फिलीपींस की राजधानी है। अच्छा, 2017 में नील पीटर्स को मिस यूनिवर्स चुना गया था, और 2018 में कैट्रियोना एलिसा ग्रे को चुना गया है मिस यूनिवर्स, और भारत की तरफ से नेहल चुलास्मा को इस मिस यूनिवर्स खिताब में भेजा गया था। तो सही ऑप्शन है कैट्रियोना एलिसा ग्रे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, आईपीएल के 12वें सीजन के खिलाड़ियों की नीलामी कहां शुरू होगी? जो है आज यानी 18 दिसंबर को जयपुर में शुरू होगी। तो सही ऑप्शन है जयपुर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे रानिल विक्रम सिंघे। इन्हें 51 दिन की सरकार चलाने के बाद महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और इनकी जगह रानिल विक्रम सिंघे को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैत्रीपला सिरीसेना। तो एक साथ 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2018 कहाँ शुरू हुआ है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पोलैंड में शुरू हुआ है। तो सही ऑप्शन है पोलैंड। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमारे पास है, मध्य प्रदेश के कितने लाख किसानों का 38,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जाएगा? क्योंकि जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं श्री कमलनाथ जी, उन्होंने यह ऐलान किया है कि प्रदेश के 38,000 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे, तो इसमें कितने किसानों का कर्जा माफ होगा? तो इसमें 34 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। तो सही ऑप्शन है 34 लाख किसान। क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास है, दुनिया का सबसे छोटा पार्क कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे छोटा पार्क पोर्टलैंड में स्थित है। पोर्टलैंड की राजधानी ओरेगन में यह पार्क स्थित है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वह है 452 इंच। तो सही ऑप्शन है पोर्टलैंड। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हमारे पास है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जेरेंट थॉमस को स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है, और यह फेमस साइक्लिस्ट हैं, और यह ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। तो सही ऑप्शन है जेरेंट थॉमस। क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है, 24 घंटे में 262 किलोमीटर दूरी तय करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? यह है कैमल हिरोन, और इनने 20 व्यक्तियों को इस रेस में पीछे छोड़ा है, और 24 घंटे में टोटल 262 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो सही ऑप्शन है कैमल हिरोन, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कला भवन देश का उज्जैन में है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। उज्जैन में ही एक और शिवलिंग है, क्या आप उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? तो बालू की कमी सिर्फ काली मिट्टी में पाई जाती है। तो सही ऑप्शन है काली मिट्टी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे।
कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।